हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल पटेल है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल मैं क्लास 12th में था तभी से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे मेरा बढ़ता गया, आज ऐसा है। और मैं काफ़ी दिन से परेशान था, मैं सोच रहा था, मैंने काफ़ी दवा और तेल यूज़ किया जिससे मेरा कोई सही नहीं हुआ। और मैं काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि QST के बारे में, और मैंने इसके वेबसाइट पे गया, इसके बारे में सर्च किया, सब कुछ देखा, इसका रिव्यू कैसा है, सब अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि शायद मुझे कराना चाहिए। और मैं QST आया और यहाँ पे आकर के सब देखा, सब ठीक है, तो आज मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है। फिर देखते हैं ट्रांसप्लांट के बाद कैसा क्या होता है, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। मेरा हेयर फॉल जेनेटिक था और कुछ इलाहाबाद रहने की वजह से कुछ गिरा भी है मेरा बाल, और मैं इसे 6 साल से मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने बहुत सारा तेल यूज़ किया, जो लोग बता देते थे, मेरे फ्रेंड्स लोग, काफ़ी लोग का ऐसा था बालनेस, तो फिर जो बता देते थे वही यूज़ करता था और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोग दवा भी बताते थे, उसको भी काफ़ी खाया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे लगा कि अब लास्ट चांस यही ट्रांसप्लांट ही बचा है, तो मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, और मैं आज यहाँ आया ट्रांसप्लांट कराने। मैंने ऐसे ही ढूँढ रहा था, मतलब बेस्ट ट्रांसप्लांट क्लिनिक, तो मुझे QST का मिला, दिखा YouTube पर, तो मैंने उसे सर्च किया, उसे मतलब उसके बारे में वेबसाइट पे गया, उसे ढूंढा, उसका रिव्यू देखा, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारी वीडियो आज 3-4 साल से उसकी वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कब कराऊँ, आखिर अंततः मैं इस समय आया हूँ QST ट्रांसप्लांट कराने। और QST का सब चीज़, हर चीज़ बहुत अच्छा लगा। QST के बारे में मैंने WhatsApp पे उसका नंबर लिया और मैं कांटेक्ट किया, और मैंने अपना सर का सब मतलब भेजा दोनों तरफ से, उसका सर का कितना बाल खाली है, तो फिर उन्होंने बताया कि मेरा 2500 से 3000 ग्राफ्ट तक होगा। उसके बाद मैंने QST का अपॉइंटमेंट लिया, आज मैं आया हूँ QST ट्रांसप्लांट के लिए, और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ साफ क्लीन सब कुछ लगा, यहाँ लोगों के बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और देखते हैं अब आगे ट्रांसप्लांट के बारे में। सर्जरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और डर भी लग रहा है और खुशी भी है कि आगे बाल भी हो जाएगा, और डर लग रहा है कि पता नहीं दर्द होगा कि नहीं होगा। लोग बताते हैं तो दर्द नहीं होता है, अब देखते हैं आगे फिर कैसा होता है, दर्द होता है कि नहीं होता है, वो ट्रांसप्लांट के बाद ही बताएंगे आपको। मैं मिलता हूँ अब ट्रांसप्लांट के बाद, सर्जरी के बाद, उसके बाद कितना पेन होता है, क्या होता है, और कितने दिन मेरी सर्जरी चलती है, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ का जैसा मैं सोचता था कि पहले बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद सब कुछ सही रहा। मैंने आया पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब डरिए मत, सब कुछ सही होगा। उसके बाद मुझे ले जाया गया सर्जरी के लिए, वहाँ जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल रहा, और बार बार मुझे पूछा गया कि मतलब आप ठीक हैं, आपको पेन तो नहीं हो रहा है, सब कुछ सही रहा। मेरे 3000 ग्राफ लगे हैं, और मेरा QST टेक्निक से हुआ है सर्जरी, और वहाँ पे सब कुछ सिस्टम सही था, और डॉक्टर ने मुझे समझाया कि कैसे कैसे दवा खाना है, कैसे कैसे इसका केयर करना है। 1 मंथ तक तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, रनिंग वगैरह, फिजिकली वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं करना है, सनलाइट में नहीं जाना है, और डस्ट वगैरह नहीं पड़नी चाहिए उसमें, और ऐसे ही ध्यान देना है, और आई थिंक 7 डे बाद इसका वॉश करना है। सर्जरी के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, बिल्कुल जैसा डर रहा था वैसा तो बिल्कुल नहीं है, एकदम सब कुछ नॉर्मल है। अभी मत डरिए, अगर आपको कराना है तो बिल्कुल QST आइए और कराइए बेहिचक होकर के। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ से डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकाला गया है और यहाँ लगाया गया है, सब कुछ सही है,
जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हुआ बिल्कुल। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आप ही के अनुसार। बस यहाँ करके कराइए। जो भी है अल्लाह से परेशान है, जो सोच रहा है कि नहीं ऑयल लगा लें दवा खा लें उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप QST एक बार आइए ज़रूर, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं जल्दी मिलूँगा अपने PRP सेशन में। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।